माई डियर ELTians, आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। तो हम ले आए हैं, जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था आपके लिए, एक स्पेसिफिक वीडियो जो है हार्दर कुलम के ऊपर। ये देखिए, ये है हार्दर कुलम, जिसको कि क्राउन ऑफ इंटरलाकन कहते हैं। यहाँ पे पहुँचने के लिए इसके नीचे ही टिकट काउंटर है, ये ऑनलाइन है, ये आप खुद से निकाल सकते हैं। लेकिन टिकट निकालने के बाद जब आप ऊपर ट्रेन पे बैठने जाएंगे तो आपको अपना आइडेंटिटी प्रूफ दिखाना होगा। साथ में यहाँ पे दिखाया हुआ है कि ऊपर जाके आपको क्या क्या चीज़ देखने के लिए मिलेगा। यही बेसमेंट में नीचे अगर आपके पास बच्चे हैं या आपके साथ वृद्ध लोग हैं तो आप अपना ट्रॉली या बग्गी यहाँ छोड़ सकते हैं, और उसके साथ आपको यहाँ पर बगल में मिल जाएगी सीढ़ी, जिसको लेकर आप ऊपर जा सकते हैं और वेट कर सकते हैं अपनी बारी आने का, क्योंकि आपको लेनी है एक ट्रेन। कौन सी ट्रेन, ये भी मज़ेदार है। ये देखिए, इसको कहा जाता है फनीक्यूलर ट्रेन। फनीक्यूलर के बारे में फन फैक्ट्स है, ये 100 साल से भी पुरानी ट्रेन है और हार्दर बाहन स्टेशन से हार्दर कुलम तक जाती है। 735 मीटर की ऊंचाई को 10 मिनट में कवर करती है और हर 30 मिनट में चलती है। बहुत ज़्यादा लोग एक बार में इसमें ट्रैवल करते हैं। तो हमारे पास स्विस पास है, तो इससे क्या फ़ायदा हुआ हमको? ये हार्दर कुलम है, ये ऊपर जा रहे हैं हम लोग, और ये एक्चुअल में 34 का है, दो लोगों का, एक लोगों का 34 का है, तो हमें दो लोगों का 34 का पड़ा है। ओके, फाइन। स्विस पास से 50% ऑफ। टिकट आपको मिल गई है, आपको फनीक्यूलर बोर्ड करना है। आपको बता दें, जिस तरफ ड्राइवर बैठा होता है उस तरफ काफ़ी ऊंची सी वॉल होती है, तो अगर आप चाहते हैं कि बहुत अच्छा व्यू आए तो उधर नहीं बल्कि ट्रेन के आगे की तरफ आपको बैठना है। देखिए, क्लियर करते हैं हम आपको। हम जहाँ अभी बैठे हुए हैं ना, हमारे पीछे ड्राइवर की सीट है, तो बिल्कुल ढका हुआ है, हमें आगे की चीज़ नहीं दिखेगी, लेकिन सामने की तरफ काफ़ी कुछ अच्छा दिखेगा, तो वो वाली सीट सबसे बेस्ट होती है। फनीक्यूलर स्टार्ट होते ही आपको बहुत सुंदर नज़ारा मिलेगा और आपको दिखेगा कि आप ट्रैकिंग करके भी, जैसे ये लोग जा रहे हैं, आप ऊपर की तरफ आ सकते हैं। हार्दर कुलम पहुँचने का एक और तरीका है और वो है ट्रैकिंग, पैदल जाना, जिसके लिए स्विट्ज़रलैंड बहुत ज़्यादा फेमस है। ऊपर जाते हुए आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, जो कि है इंटरलाकन, आइगर, मोंक और यंगफ्राउ। आपको बता दें कि ये जो ट्रेन है वो बीच में से आपको एक टनल में ले जाएगी, जिसको 2 से 3 मिनट में हम पार कर सकते हैं। अंदर बिल्कुल अंधेरा होता है, वो भी अपने आप में बहुत ही अलग तरह का व्यू है। टिकट या तो आप एक साइड के लिए लीजिए या तो डुअल साइड के लिए लीजिए, एक साथ ऊपर चले जाइए और खुद पैदल चल के आइए। फनीक्यूलर का स्टॉपेज हार्दर कुलम के पास आ गया है और हम आपको दिखाएंगे कि सबसे पहला नज़ारा क्या है। ये जगह फेमस है सनसेट और सनराइज देखने के लिए। तो जैसे ही आप ये पतली वाली गली से आगे बढ़ेंगे, आपको दिखेगी लोगों की लंबी कतार जो कि वापस जा रहे हैं। हर 30 मिनट में ये ट्रेन चलती है, तो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। यहाँ से ही आपको फ़ोटो खींचने के लिए बहुत अच्छी अच्छी जगह मिलेगी। वुड वर्क किया हुआ बहुत सारा स्टैचूज़ बनाया हुआ है यहाँ पर, आप देखिए यहाँ पे लोगों की लंबी कतार लगी है। और ये यही तो वो व्यू पॉइंट है, दिख रहा है ना आपको? हम गए थे सनसेट के समय, आप जा सकते हैं सनराइज़ के समय भी। बहुत ही कम समय लगेगा आपको नीचे से ऊपर, अगर आप माउंटेनियरिंग करना चाहते हैं तो ऊपर चढ़ने में, तो मतलब पैदल चलने की भी बहुत अच्छी जगह है। आगे बढ़ते हैं, आपको बिल्कुल पिनोकियो जैसा वुडन वर्क किया हुआ स्टैचूज़ मिलेगा और पहाड़ियाँ, वादियाँ बिल्कुल सुंदर देखने के लिए मिलेंगी। बहुत ही बड़ा यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है, जिसको कहते हैं पैनोरमा हार्दर कुलम रेस्टोरेंट। ये देखने में तो लगता है महाराजा का पैलेस है, लेकिन आपको कोई राजा बनने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर खाना खाने के लिए। जब आप यहाँ पर आएंगे, जगह बहुत छोटी सी है, 2 से 3 घंटे अगर आप लगाएंगे तो आप पूरी जगह का मुआयना कर सकते हैं। ऊपर चढ़िए, ऊपर भी काफ़ी ऊंचाई पे नहीं है, मम्मी पापा भी आराम से चढ़ सकते हैं और पूरी जगह का मज़ा लीजिए। याद रखिए, यहाँ पहुँचने के बाद आपको ठंडी लग सकती है, तो अगर आपके पास बच्चे हैं तो उन लोगों के लिए जैकेट, टोपी वगैरह लेके आइए। आप कितनी ठंड बर्दाश्त कर सकते हैं ये आपके ऊपर है, वैसे हवा बिल्कुल प्रॉपर चल रही होती है। इस रेस्टोरेंट के बारे में आपको बताना है कि यहाँ पर रात के 9 बजे के बाद आपको कोई अटेंड नहीं करेगा, वो बोलते हैं कि बैठिए, खाइए, पीजिए और 9 बजे तक बिल्कुल सब कुछ क्लीन करना होता है इन लोगों को, इसलिए वो ऑर्डर्स लेना बंद कर देते हैं।
और अब ये जो जगह है इसका नाम है व्यूइंग प्लेटफॉर्म ऑफ टू लेक ब्रिजेस, मतलब लेक ब्रियांस और लेक थुन को जहाँ पे मिलाया जाता है उसको हम देखते हैं ऊपर से, और यही वो जगह है जहाँ पे टूरिस्ट लोग मिलते हैं, जाते हैं, काफ़ी भीड़ होती है। एकदम हवा में झूलता हुआ ब्रिज जैसा जो कि वी के आकार का रहता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक गाय का स्टैचू है, बच्चे इसको देख के काफ़ी खुश हो रहे हैं, और यही वो जगह है जहाँ पर आप बहुत अच्छे फ़ोटोज़ खिंचवा सकते हैं। तो अगर आप फैमिली के साथ हैं और आपको फैमिली पोर्ट्रेट चाहिए तो टेक अ चांस, और सबके लिए आप भी फ़ोटो खींचिए, वॉलंटियर कीजिए, और आप बिल्कुल शर्माइए मत और सबसे कहिए कि वो आपकी भी एक मस्त वाली फ़ोटो खींच दें। वी ऑल्सो डिड दैट। और हाँ, डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक सम सोलो शॉर्ट्स फॉर योर इंस्टाग्राम स्टोरीज। जैसा कि मैंने बताया, बहुत छोटी सी जगह है लेकिन घूमने का मज़ा है। अब आपको टिकट बुक कैसे कराना है? सबसे कन्वीनियंस है, यहाँ पे जाइए, लाइन में लगे रहिए और टिकट बुक करा लीजिए। सेकेंड ऑप्शन, ट्रिप एडवाइजर, booking.com, इन सब से भी करा सकते हैं। एंड टू अवेल सम डिस्काउंट्स, ट्राई टू गेट अ स्विस ट्रैवल पास। यहाँ पर 6 साल से छोटे बच्चों का फ्री ऑफ कॉस्ट विजिट है, आपको टिकट नहीं लेना पड़ेगा। अगर आप लकी हुए तो आपको देखने के लिए मिलेगा इवनिंग कॉन्सर्ट, जो कि हम लोगों को नहीं मिला, उसमें स्विस ट्रेडिशनल म्यूजिक और फोकलोर परफॉर्मेंस भी देखने को मिल सकता है। बेसिकली अक्टूबर में ऐसा देखने को मिलेगा। ये पूरी की पूरी जगह में बैठने की बहुत सारी जगह है और आराम से कोई भी सनसेट या सनराइज देखने की जगह है। अब जहाँ कहीं भी फोटोग्राफी का सीन हो, एक फ़ोटो तो ज़रूर खिंचवा लेना। ये देखिए, यहाँ पर लिखा है कि हम कहाँ खड़े हैं, तो हमने खिंचवा लिया फ़ोटो। आपके लिए और भी इन्फॉर्मेशन है, आप अपने पेट्स को, डॉग्स को फ्री ऑफ चार्ज ले जा सकते हैं। टिप्स ये है कि क्योंकि ये जगह में धूप पड़ती है तो आपको बहुत सारा सनस्क्रीन अच्छे से लगाना है, सनग्लासेस भी लेने हैं, टोपी भी ले लेना है, कैप्स वगैरह, और अकॉर्डिंगली ड्रेस करना है। आई बिलीव 2 से 4 घंटा नॉर्मल लोगों के लिए, और हनीमून कपल के लिए पूरा दिन इस जगह को एंजॉय करने का एक रियल मीनिंग बनता है, स्पेशली नेचर लवर्स के लिए। तो गाइज, इट्स टाइम फॉर अस टू गो बैक। लेट्स सी, वी आर गोइंग टू बोर्ड द फनीक्यूलर अगेन इन द इवनिंग टाइम। तो ट्रैक्स को देखना किसको किसको पसंद है, मेरा तो बिल्कुल फेवरेट काम है ये। अब हार्दरकुलम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। अबाउट 1300 meters अबव सी लेवल लाइज हार्दरकुलम, द क्लोजेस्ट माउंटेन टू द वाइब्रेंट टाउन इंटरलाकन। Interlaken is a small town in the mountainous Bernese Oberland region of Switzerland. You can view the entire city of Interlaken from this point. When you are in the funicular train, you can definitely see dusri funicular train ko aate hue. Wo apne aap mein bahut sundar nazara hai. Signal milega, light jalengi, shaam ho chuka hai to aur bhi spectacular lagta hai. Ye dekhiye, उसको देखना कितना मनमोहक लग रहा है। बाय। और फिर से आ गया है वो टनल। अब क्योंकि और शाम हो गई है तो और भी अंदर का नज़ारा जगमगाता हुआ लाल। हम जाने वाले हैं टनल के अंदर और फिर से वही 2 से 3 मिनट का अंधेरा, रोमांच, एडवेंचर एंड यस एन्जॉयबल ट्रिप टू हार्दरकुलम। दिल की धड़कन, लोगों की आवाज़, ट्रैक्स की धड़ धड़ और सब कुछ एक साथ, अलग ही रोमांच। सो गेट योर हार्दरकुलम टिकट्स एंड टेक अ फनीक्यूलर राइड टू द टॉप व्हाइल एंजॉयिंग गॉर्जियस व्यूज ऑफ द बर्नीज ओबरलैंड। स्विट्जरलैंड इज कॉलिंग यू। ओह, शायद मैंने मिस कर दिया। आप इस जगह पर अपने लिए खाने पीने का सामान ले जा सकते हैं, सब कुछ अलाउड है। वहाँ पे पिकनिक टेबल्स लगे हैं, आप आराम से बैठ के खा सकते हैं। जब हम नीचे आएंगे तो हम लोगों को ये स्टेशन दिखेगा जो कि बता रहा है कि अगला जगह हम लोगों को कहाँ जाना चाहिए। ये ट्रेन्स काफ़ी देर तक चलती रहती हैं और ट्रेन्स में भीड़ भी बहुत ज़्यादा रहती है, बैठने की भी जगह होती है और खड़े होके भी लोग आते हैं। टेक यू टाइम, आराम से नीचे आइए, क्योंकि आपने जो बग्गी या ट्रॉली जो भी रखा है उसको कोई ले जाने वाला नहीं है, आराम से आप उसको निकाल के ले जा सकते हैं। आई बिलीव यू गॉट ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस प्लेस विच इज द बेस्ट ऑफ इंटरलाकन एंड इज नोन एज हार्दरकुलम। प्लीज वेट फॉर द अपकमिंग वीलॉग्स अंटिल वी मीट नेक्स्ट, माई डियर ELTians। आई विल सी यू। Bye-bye.